दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर सिंह प्रसाद मैकेनिक। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए कि गाड़ी सर्विस कब और कैसे कराएं। कई बार हमारा मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम कितने किलोमीटर बाद कराएं सर्विस या कितने दिनों के बाद कराएं। हम सभी के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसा कि अभी गाड़ी दिख रही है हमारी, तो खाली धुलाई के लिए ही कराना ही सर्विस में बोलते हैं। इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे फिल्टर वगैरह होता है, सस्पेंशन, ब्रेक, टेबल, कोई नट बोल्ट ढीला हो वो होता है, प्लग साफ होता है, फिल्टर होता है, जरूरत पड़े तो कार्बोरेटर भी होता है। तो दोस्तों यही बताएंगे आज के कितने दिन बाद या कितने किलोमीटर बाद आपको गाड़ी की सर्विस करानी चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक बहुत जरूर करना है। तो ये गाड़ी हमारे लिए है स्प्लेंडर, और ज़्यादातर स्प्लेंडर ही गाड़ी मार्केट में चल रही है। जो भी मांगता है वो स्प्लेंडर ही मांगता है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्प्लेंडर की। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब सर्विस सेंटर जाते हैं ये गाड़ी लाते हैं, तो उसके बाद में हम कहते हैं भाई अभी कराई सर्विस, दो महीने हुए कराई सर्विस या अभी चली नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका मीटर चालू रखना चाहिए हमेशा। हम जैसे मीटर चालू रखेंगे उससे हमें पता रहेगा कि हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है और कब हमें सर्विस करानी है। तो वैसे जो हम लोग बताते हैं सर्विस के बारे में कि कब करानी चाहिए, तो ज़्यादातर क्या होता है हम 2000 किलोमीटर बताते हैं कि भाई 2000 किलोमीटर पर गाड़ी की सर्विस जरूर करा लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑयल कौन सा डलवाते हैं, क्या डलवाते हैं, या हमारी गाड़ी किस माहौल में चलती है, किन रोडों में चलती है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। और दूसरा क्या होता है कि कई बार जैसे हम ऑयल डलवाते हैं, ऑयल कैसे डलवाते हैं, कौन सा डलवा रहे हैं हम, जैसे कि कई भाई होते हैं सर्वो का ऑयल डालते हैं, कई कैस्ट्रोल एक्टिव 40 डालते हैं, कई सिंथेटिक ऑयल डालते हैं। तो इसमें भी होता है क्या होता है कि भाई अगर हमें सर्वो का ऑयल डालना तो हमें 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर सर्विस करा लेनी चाहिए। और अगर हम कैस्ट्रोल का डाल रहे हैं तो भी ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा नहीं खींचे, 100-200 किलोमीटर ऊपर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ अगर आप सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं, अगर आप सिंथेटिक ऑयल डालने तो उसमें आप लगभग 3000 किलोमीटर चला सकते हैं। वो भी कब, जब आपकी गाड़ी रोजाना कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास चलती हो, यानी आपकी गाड़ी डेली चलती हो, रोजाना चलती हो। इसमें कोई भी गाड़ी हो सकती है, जैसे आपकी स्प्लेंडर गाड़ी है, पैशन गाड़ी है, या पल्सर गाड़ी है, या फिर स्कूटी है आपकी, तो भी आप इतने पे ही सर्विस कराएं। जैसा कि देख पा रहे हैं स्कूटी है, ये भी सर्विस हो रही है। तो अगर हमें कोई सी गाड़ी की सर्विस करानी है तो कम से कम 2000 किलोमीटर पे और मैक्सिमम 3000 किलोमीटर पे। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, यानी कि महीने में अगर 200, 300 या 400 किलोमीटर चलती है, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्विस करानी है 3 महीने के अंदर। क्योंकि अगर हम 3 महीने में सर्विस नहीं कराते, कई भाई कहते हैं जैसे कि सर्विस हमारी कोई गाड़ी चली नहीं है अभी से सर्विस क्यों कराएं, तो उसमें क्या होता है कि सर्विस ना कराने से कई पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर जंग भी लग जाता है, या दूसरी चीज़ें होती हैं, पानी जम जाता है वहाँ से, गल जाती है बॉडी, गल जाती है, या कई चीज़ों में कार्बन आ जाता है, उससे केबल वगैरह टाइट चलने लगते हैं। तो ये अगर समय पर हमें ऑयलिंग हो जाए, फ्री हो जाए, तो वो गाड़ी हमेशा रनिंग में रहती है। दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि सिंथेटिक ऑयल डलवा रहे हैं तो आप 3000 किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन अगर जो कम चलती है गाड़ी तो वो 2000 के आसपास ही करा लेनी चाहिए। ऐसे क्या था, अगर हमारी गाड़ी रोजाना ज़्यादा चलती है तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना, ज़्यादा चलती है तो वो ज़्यादा किलोमीटर उसका ऑयल आपके काम दे देता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलती है तो कुछ दिन के बाद उसका ऑयल खराबी की तरफ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें जो बात होती है लुब्रिकेंट वो चीज़ नहीं रहती है, और दूसरा चिपचिपाहट आ जाती है। तो इसलिए उसको किलोमीटर ना देख के आप समय से करा लें, 3 महीने के अंदर करा लें। वैसे तो कंपनी जो बोलती है 45 डेज बोलती है, 45 दिन। दूसरा ये है कि अगर आपकी गाड़ी अगर चलती है कम, तो उसके कुछ चीज़ों में ऑयलिंग टाइम टाइम पे कराते रहने चाहिए। दूसरा, अगर ज़्यादा चलती है तो क्या होता है कि जैसे हमने बताया 3000 किलोमीटर पे अगर आपको सर्विस करानी है, तो उसके क्या कुछ चीज़ें जैसे ब्रेक और चेन, ये क्या होता है, ये कुछ किलोमीटर बाद ढीली हो जाती हैं, ज़्यादातर 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में, ये एक बार एडजस्ट जरूर करा लेनी चाहिए। तो सर्विस में मेन चीज़ें जो होती हैं, जो सर्विस में क्या क्या करना है वो हम आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज बताएं कि सर्विस आपको
कितने टाइम बाद या कितने किलोमीटर बाद कराना चाहिए। तो सर्विस अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो 3 महीने बाद, अगर ज़्यादा चलती है तो 2 से 3 हज़ार किलोमीटर बाद, जैसा भी आप इसमें इंजन डालते हैं। और बीच में आप ब्रेक एडजस्टमेंट और आप चैन की जो सेटिंग होती है वो कराते हैं, उसमें ऑयलिंग जरूर करा लें। दूसरा स्पार्क प्लग भी बीच में एक बार साफ करा लें, तो आपकी गाड़ी हमेशा सही चलती रहेगी, आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का ध्यान रखना है, टाइम से सर्विस करानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।